वहीं ट्रांसजेंडर समुदाय ने बड़ा आरोप लगाया है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट रेशमा प्रसाद के मुताबिक ये रिपोर्ट फर्जी है। ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी सिर्फ पटना में ही 1000 से ज्यादा है, पूरे बिहार में 825 ही आंकड़े बताए गए हैं, जो बिल्कुल फर्जी आंकड़ा है। मैं तो नहीं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ, क्योंकि एक्चुअली में आप ट्रांसजेंडर के बारे में या तो जानकारी नहीं रखते हैं या उनके साथ में आप अन्याय करना चाहते हैं। समाजवाद की बात करने वाले समाज के हर एक डिस्टिट्यूट से डिस्टिट्यूट वंचित और वंचित व्यक्तियों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर अभी तक हमने जो देखा है, जहाँ पर समाजवादी सरकारें हैं, लोग हैं, उन्होंने कभी ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ में अन्याय ही किया है। तो आप कैसे ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या 825 है, जबकि 2011 में पॉपुलेशन सेंसस हुआ था और उस समय 42,000 की संख्या, यहाँ एक 41,000 पॉपुलेशन आइडेंटिफाई हुआ था, और आज के समय में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट हो गया, और ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर आपको संख्या नहीं नज़र आती है तो आप अपने पटना जंक्शन पे निकल करके घूम लीजिए, ट्रेनों में घूम लीजिए। जातीय गणना पर बिहार के लोगों की अलग अलग राय है। बेतिया के लोगों ने इस पर क्या कहा वो सुनिए। मेरे हिसाब से तो सही नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ की जातीय समुदाय के लेके आपस में विवाद शुरू हो जाएगा कि हम बड़े, मेरा संख्या ज़्यादा है, सरकार मेरी होनी चाहिए। यहाँ जो है योग्यता नहीं, अब जाति के आधार पर चुनाव या फिर जो भी होगा उसके आधार पर होगा। देखिए, ये सारा चुनावी स्टंट है और जाति में मतलब विभक्त करने का एक तरीका है, दूसरा ये कुछ नहीं है। इसका क्या प्रभाव? इसका प्रभाव यही होगा कि जातीय विद्वेष होगा, लोग आपस में लड़ेंगे, दूसरा कुछ होगा नहीं, नेता लोग फायदा उठाएंगे। गरीब अमीर के लिए होना चाहिए, लेकिन ये जात पात जो है ये इसको हम लोग नहीं माने हैं, इसलिए कि हम लोग मनुष्य जाति से हैं। मनुष्य जाति से हैं तो ये होना चाहिए कि हम गरीब हैं या अमीर हैं या क्या हमारी पोजीशन है। इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर मुजफ्फरपुर के लोगों ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। जनगणना जो जोड़ी जोड़ी नहीं था, मोस्ट जोड़ी था, और ये जनगणना जो हुआ है इसे सारा पोल जो है खुल गया है, कौन किसका कितना संख्या है, और ये चोरी था। इससे सुधार नहीं होने वाला है, बेतुका जो है इसे किया गया है, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। इससे जाति को बांटने का जो किया जा रहा है, सरकार जो है जनता को भटका रही है इधर उधर के मामले को लाते हुए, ठीक है, रोजगार पर उसको ध्यान देना चाहिए। जातीय जनगणना के लेकर हम तो यही कहेंगे कि जातीय जनगणना बिल्कुल फेक है, गलत है। सबसे बड़ी चीज़ था बेरोजगार और आर्थिक सर्वे करना चाहिए, और सरकार की, बिहार सरकार की सोची समझी चाल है कि बिहार के जनता को एक जातीय उन्माद में बांट के रख दो और तोड़ दो।